अब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा ये हमको मिला इन द ईयर 2000 जून फर्स्ट 2000 में वी गॉट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून फर्स्ट 2000 और इस एक्ट ने जो है एक 1973 के एक्ट को रिप्लेस किया था जो कि फेरा था फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाउ जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था यानी कि जो फेरा था ये जो था इसका मेन एम था कंजर्व करना फॉरेन रिसोर्सेज को जितने भी हमारे फॉरेन रिसोर्सेज हैं, उसको कंजर्व करके रखना उसको अपने पास सेव करके रखना बट ये जो फेमा है फेमा ने उसको रिप्लेस किया फेरा एक्ट 1973 को रिप्लेस किया एंड फेमा का मेन जो एम था दैट वाज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया सो जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको और ज्यादा प्रमोट करना उसको और ज्यादा डेवलप करना और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना एंड सी टू इट दैट सारा जो ट्रेड एंड पेमेंट है सब कुछ जो है ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं सो दॉज ऑल अबाउट फेमा एंड वी गॉट फेमा इन दर नाइनटीन नाइनटी नाइन जो कि एप्लीकेबल था इट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम जून फर्स्ट टू थाउजेंड अब हम थोड़े से हाईलाइट देख लेते हैं फेमा के कि फेमा एक्ट में जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें थी पहला जो इम्पोर्टेंट चीज था दैट वॉज ट्रांसपेरेंसी के व्यू पॉइंट से इट इज मोर ट्रांसपेरेंट इन इन इट्स एप्लीकेशन एंड लेड डाउन द एरियाफिक परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट एक्ट है क्योंकि इसमें जो है क्लियर कट बता रखा है कि कौन सी ऐसी चीजें है जिसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा कौन सा ऐसा चीज है जिसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा सो so, सारे ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन में ऐसे ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइप के भी होते हैं कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन में जो है कुछ स्पेशल परमिशंस लगती हैं तो इस एक्ट में क्लियर कट आपको बता रखा है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें जो है कौन से चीज के रिगार्डिंग किससे जो है परमिशन लेना है सेकेंड अगर हम एक हाईलाइट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट ये जो एक्ट है इसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन को हाईलाइट कर रखा है पहला जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है दैट इज योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज योर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दो तरीके के हैं पहला हो गया आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेकेंड जो है दैट इज योर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सो so, कोई भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें की मूवमेंट होता है आपके कैपिटल का या फिर प्रॉपर्टी का या फिर इन्वेस्टमेंट का या फिर लेंडिंग एक्टिविटीज का तो ये सारा चीजें जहां पे भी इन्वॉल्व होता है अगर आपको इन सारे चीजों में चेंजेस दिखाई देता है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा एंड ये सारे ट्रांजेक्शन इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारा विल कम अंडर योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इसके अलावा कुछ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें जो होता है आरबीआई का स्पेशल परमिशन वगैरह लगता है लाइक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कुछ सीलिंग लिमिट वगैरह होता है जैसे कि आप इतने रुपए तक ही जो है यू आर परमिटेड कि फाइनेंशियल ईयर में आप इतने रुपए तक ही पैसे किसी को भेज सकते हो बट वो अगर उससे एक्सीड करना है आपको लिमिट क्रॉस करना है तो आपको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का परमिशन जो है वो आपको लेना पड़ेगा और काफी सारे ऐसे ट्रांजेक्शन भी है जो की एकदम प्रोहिबिटेड है लाइक करेंट अकाउंट की अगर हम बात करें करंट अकाउंट में अगर आप लॉटरी वगैरह की बात करो या फिर बैंड मैगजीन्स तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे कम्पलीटली और टोटली जो होते हैं वो सारे बैंड होते हैं फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की ओ सी बीस ओ सी बीज जो होते हैं दे हैव बीन डी रिकोगनाइज एज एन एलिजिबल क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स यानी कि इनको जो है ओ सी बीज को जो है वो उनको डी रिकोगनाइज कर दिया गया है इसके अलावा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिलेटेड टू लॉ अब यहाँ पे जो फेमा जो है देखो फेमा और फेरा में यहीं पे ये यह सिविल लॉ जो है यही फेमा को फेरा से अलग कराता है फेमा जो है फेमा इज अ सिविल लॉ ओके फेमा इज अ सिविल लॉ यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कुछ भी वायलेशन होता है तो इट विल बी डेल्ट थ्रू सिविल प्रोसीजर ओके एंड फेरा जैसा नहीं है ये यह यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है इट विल बी ऑन द एनफोर्समेंट एजेंसी वो एनफोर्समेंट एजेंसी पे होगा एंड नॉट ऑन द इम्प्लीकेटेड पार्टी जो पार्टी है इम्प्लीकेटेड पार्टी उस पे नहीं होता बर्डन ऑफ प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एनफोर्समेंट एजेंसी पे प्लस इसके अलावा FEMA में जो है प्रॉपर तरीके का जो है री एड्रेसल मैकेनिज्म जो है आपका प्रॉपर तरीके से बना हुआ है जो कि एकदम जस्टिस और फेयरनेस के साथ जो है आपको जो है सारा चीज जो है सारा जो जितना भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूरा का पूरा जो है प्रॉपर मशीनरी के थ्रू जो है एक फेयर मूवमेंट में जो है सारी चीजें चलती है सारे फाइल्स जो है आपका मूव होते हैं प्लस जो भी ऑफेंसेस होते हैं फेमा के अंदर वो सारे कंपाउंडेबल होते हैं एंड उसमें आप जो है पेनालिटी वगैरह आपको पे करना पड़ता है सो दिस इज रिगार्डिंग योर फेमा फिर अगर हम कुछ और हाईलाइट्स की बात करें तो देर आर सम अदर समाईट्स ऑल्सो जैसे कि द फॉर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स गिव फुल फ्रीडम टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु वॉज अर्लियर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू होल्ड और ट्रांसफर एनी फॉरिन सिक्योरिटी सिटुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड अक्वायर्ड वेन ही और शी वॉज अ रेसिडेंट देयर तो अगर ऐसा कोई बंदा है जो कि इंडिया से जो है जो पहले इंडिया में बाहर रहता था बट अब वो इंडिया में वापस आ गया है तो उन सबको जो है पूरा का पूरा फ्रीडम दे रखा है कि वो होल्ड कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है कोई भी फॉरेज सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर वर वगैरह आपका जैसे हो गया इसके अलावा फ्रीडम रहता है रेसिडेंट को हु इनहेरिट सच सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन आउट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो कोई ऐसा पर्सन है जो की इंडिया के बाहर रहता है बट उसका कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो एक रेसिडेंट जो है उस प्रॉपर्टी को जो है परचेज कर सकता है देन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज परमिटेड टू होल्ड और हैव सिक्योरिटीज देखो जो बंदा बाहर रहता है एनआरआई की यहाँ पे बात हो रही है जो बंदा जो है इंडिया के बाहर रहता है उसको परमिट कर रखा है कि वो सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी जो है जब वो रेसिडेंट था इंडिया में रेसिडेंट देखो ये ना इंडिया है ओके okay? इंडिया में जब वो रेसिडेंट था उसके पास एक घर था उसके बाद वो क्या चला गया कुछ सालों बाद वो जो है इंडिया के बाहर चला गया लेट्स से वो ऑस्ट्रेलिया चला गया एंड ऑस्ट्रेलिया में अब वो रह रहा है तो इस घर का क्या होगा ये घर स्टिल वो होल्ड करेगा ओके okay? ये घर जो है इसी का प्रॉपर्टी रहेगा ऐसा नहीं होया कि भाई ये इंडिया से बाहर चला गया तो इसका प्रॉपर्टी भी गया ऐसा नहीं है तो उसको जो है उसको परमिशन दी गई हुई है कि ही इज परमिटेड टू होल्ड दैट सिक्योरिटी या फिर ही इज परमिटेड टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के केस में भी ऐसे ही है अगर जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह इंडिया में है बट आप बाहर हो तो इनहेरिट आप उस प्रॉपर्टी को अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उसको आप जो है इनहेरिट कर सकते हो ये भी परमिशन आपको दिया गया है द एक्सचेंज ड्रॉन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्पजेज अदर देन फॉर विच इट इज ड्रॉन प्रोवाइडेड ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज इज अदरवाइज परमिटेड फॉर सच पर्पज तो यहां पे सिंपल बात कही हुई है आपका एंड यूज ऑफ फंड की एंड यूज ऑफ फंड की बात करी गई है कि जो भी एक्सचेंज आप ड्रॉ करते हो उसको देखो कुछ पैसा जो होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो बट उसको आप अदर पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो बट प्रोवाइडेड दैट की वो चीज ना प्रोहिबिटेड ना हो ओके देन नेक्स्ट आपका ई एफ सी और आर एफ सी अकाउंट वाले लोग रिगार्डिंग बात किया गया है कि इसको ये लोग भी जो है फ्रीली यूज कर सकते हैं जो भी इनका ई एफ सी आर एफ सी में अकाउंट है ई एफ सी का कंफर्म होता है देखो एक्सचेंज ऑर्नर्स फॉरेन करेंसी ओके एंड आर एफ सी होता है रेसीडेंट फॉरन करेंसी तो इनके अकाउंट में जो पैसा होता है दे आरमे परमिटेड टू यूज ऑल दैट मनी फ्रीली वो यूज कर सकते हैं फ्रीली उनके ऑब्लिगेशन को लोग पे कर सकते हैं एंड फाइनली रूल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड आर आल्सो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट एंड परमिट इंडियन कंपनीज इन सर्टेन स्पेसिफाइड सेक्टर टू एक्वायर शेयर ऑफ फॉरन कंपनीज एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज तो यहाँ पे मेन चीज ये कि बाहर के जो विदेश की कंपनी जो आपके यहाँ का सिमिलर ट्रेड में है तो यू कैन एक्वायर शेयर ऑफ फॉरिन कंपनीज ओके okay? तो हम और ADR GDR डी जो है ये सब भी इश्यू कर सकते हैं इनका भी लिमिट रहता है ADRs और जी जो होता है इनका इश्यू का एक लिमिट रहता है आप उस लिमिट तक जो है इन सबको इश्यू कर सकते हो तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द हाईलाइट जो कि फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन के अंदर दिया गया है ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है जो कि फैसिलिटेट करता है पूरा एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड और प्रमोट भी करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सब कुछ मेंटेन करता रहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एंड इस एक्ट ने रिप्लेस किया था फ़ेरा एक्ट को फ़ेरा यानी कि फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 1973 के एक्ट को जो है इसने रिप्लेस किया था